आपको यहाँ पर एक्सेल की एक शीट दिखाई दे रही होगी, इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए हमारे पास एक डेटा शीट है। इस डेटा शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें मेरे पास चार कॉलम है, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अब मान लीजिए इस डाटा को मुझे अरेंज करना है, अरेंज इन द सेंस मुझे इस डाटा को शॉर्ट करना है। तो डाटा को शॉर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो कॉलम सेलेक्ट करना होता है जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे सप्लायर आईडी को शॉर्ट करना है, तो आप देखेंगे डाटा तो ऑलरेडी शॉर्टेड है, बट इसे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। यानी मैं चाहता हूं कि सप्लायर आईडी नंबर जिसका सबसे बड़ा हो वो पहले आ जाए। तो आपको क्या करना है, टेबल के उस कॉलम पर क्लिक करना है, उसके हेडिंग वाले पार्ट को बस सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है। ये देखिए ये रहा आपके पास होम टैब का ऑप्शन, दिस वन। इस होम टैब वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिटिंग ग्रुप मिलेगा। इस एडिटिंग ग्रुप में आपको शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ Z2A। जैसे आप ये काम करते हैं आपका डाटा आप देख सकते हैं शॉर्ट हो चुका है। अब एक और तरीका होता है डाटा को शॉर्ट करने का। मान लीजिए मैं सप्लायर नेम को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ये काम डाटा टैब में जाके भी किया जा सकता है। आप डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर आपको शॉर्टिंग का एक और ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से अपना कॉलम सेलेक्ट करें कि किस कॉलम के ऊपर आपको शॉर्टिंग करना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सप्लायर नेम। उसके बाद जो भी ऑर्डर आपको देना है वो ऑर्डर आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑर्डर दिया A to Z। अब हम इसे ओके करते हैं। जैसे आप इसे ओके करेंगे आपका डाटा A to Z के ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। इसी काम को करने का एक और तरीका होता है। कोई भी डाटा अगर आपको शॉर्ट करना है, जो काम हमने डाटा से शॉर्ट वाली विंडो को ओपन करके किया था, यही विंडो हम होम टैब से भी ओपन कर सकते हैं। होम टैब पे जाना है, सबसे पहले पूरा टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसकी शॉर्टकट की आपके पास होगी Ctrl A। Ctrl A दबाते ही आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिटिंग ग्रुप में जाना है। यहाँ पर आपको शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग मिलेगा, इस पर आप जाइए और यहाँ से कस्टम शॉर्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे सेम विंडो आपके सामने फिर से आ जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक ऑर्डर दे दीजिएगा। तो मैं एड्रेस को शॉर्ट कर रहा हूँ Z2A के ऑर्डर में। आप इसे ओके कीजिएगा, आपका जो डाटा होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगों पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।